Belinho. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ईमान आ गई, ईमान आ गई, ईमान आ गई। आ मेरा पुत्र, आ आ आ जा बेटा, चलो चलो चलो, आ अच्छा अच्छा ठीक 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 है सारे। माशाल्लाह चलो चलो जान बेटी रहा है नहीं आ जा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, मैं भी ठीक हूँ अल्लाह ताला से करम से, आप भी ठीक होंगे। इस दुआ के साथ जो है ना, मेरी बेटी जो है वो आ गई है मेरे घर आज। आज मेरा छोटा जवाई भी आ गया है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो आज जो है मौसम ठंडा सी, तो इस बेटी के लिए जो मैं बहुत परेशान थी, क्यों ये छोटी बेटी मुझे जो है ना एक महीने से बाद लाजमन मुझे मिलने आती है। जो बड़े बेटे हैं मेरे वो तो 6 महीने साल तो बाद आते हैं, कभी आते हैं कभी कहते हैं सानू अबू टाइम नहीं तू आ के सानू मिल जा। तो मैं बेटी कितने बहुत दुआ मांगता हूँ जो मेरी बेटी मुझे मिलने तो आती है। मैं गरीब हूँ, आ जा बेटे तू भी इतने आ जा, बह जा खा जा खा, बह जा बह जा, हाँ बह जा बह जा, मेरा पुत्र माशाल्लाह। तो जी प्यारे व्यूअर्स माशाल्लाह, अभी जो है ना हम पहुंचे हैं अपने ससुर के घर, और ये मेरे मामू जी भी हैं और साथ में ये मेरी बुआ भी है और मेरी सासू माँ भी है। तो माशाल्लाह काफी दिनों से ना मेरी बेगम साहबा बोल रही थी कि हम जो है ना अपनी अम्मी अबू की तरफ जाएं, तो मैंने इनको कहा था कि जरी थोड़ी गर्मी है मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए फिर चलता है, क्योंकि हमारा सफर काफी सर का है, आने जाने का टाइम हमारा काफी लगता है। तो वैसे भी हम कुछ ज्यादा इसलिए नहीं आते क्योंकि ये एक तो बेचारे गरीब हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम जाएं किसी को तंग करें, ठीक है हमारा, हमें ये अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन आना तो पड़ता है, साफ जाहिर है उसके अम्मी अबू हैं उनको मिलने आना तो पड़ता है, क्योंकि कोई माँ बाप को तो नहीं छोड़ सकता ना, साफ जाहिर सी बात है। तो माशाल्लाह मौसम देखें, बादल वगैरह बने हुए हैं, माशाल्लाह मौसम बहुत ही ठंडा और बहुत ही प्यारा मौसम है। तो माशाल्लाह, और ये जो है ना बहुत ज्यादा गरीब है। आपको हस्ब तौफीक अल्लाह पाक ने जितना कुछ भी दिया है ना, लिहाजा यार गरीबों की सपोर्ट किया करो, क्योंकि जो हकदार हैं, जो जिनको सपोर्ट की जरूरत है, तो आप लोगों से प्लीज मेरी गुजारिश है कि आप लोग उनकी सपोर्ट लाजमी किया करें, क्योंकि देखें इनके पास जो आपको नजर आ रहा है ना, यही कुछ सब कुछ है। आप इनके पूरे चैनल में वीडियोस उठा के देख लें, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है, ना तो इनके पास वॉशरूम है, ना इनके पास कोई सवारी है, ठीक है, ते नलका है तो वो भी पुराना है, पानी की तंगी, हर पानी ऐसी चीज है जो हर बंदे की जरूरियात है, ठीक है। तो ये भी चाहते हैं कि हमारे पास मोटर वगैरह लग जाए और बाथरूम वगैरह बन जाए। तो जी प्यारे बस जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इनके पास सिर्फ साइकिल है, ठीक है, और सवारी वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि एक तो मेन बात ये है कि अल्लाह पाक ने इनको बेटे से नहीं नवाजा, ठीक है ना, क्योंकि जिसके घर में बेटा ना हो, जिसके घर में कमाने वाला ना हो, आप मुझे ये बताएं इस उम्र में ये क्या काम कर सकते हैं, इस उम्र में ना तो मेहनत मजदूरी तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि साफ जाहिर है उम्र के लिहाज से बंदा हर काम करता है, उम्र जब गुजर जाए तो इंसान बस चलना फिरना औखा हो जाता है, मेहनत मजदूरी की तो दूर की बात है। ते बाकी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इनको जो है ना ऐसे जो है ना कामयाबियां दे, हमारी दुआएं इनके लिए, और आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, जितनी आपको हो सके आप लोग इनकी सपोर्ट करें, ताकि ये अपने घर में आराम से बैठ के सुकून के साथ खा तो सके ना, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, इंसान को दो वक्त का अच्छा खाना मिल जाए ना वो भी बहुत होता है। तो
माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनकी सपोर्ट करेंगे और हमारा भी चैनल है माशाल्लाह उस पर हम भी काम करते हैं और इनकी जो वीडियोस है वो मैं अपने चैनल में भी लगाऊंगा। मेरे जितने प्यारे बहन भाई जो मुझे देखते हैं वो भी इनकी तरफ आएंगे, जो इनको देख रहे हैं वो मेरी तरफ आएंगे, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि वाकई इनके पास कुछ नहीं है। क्योंकि ज्यादातर पता है अक्सर लोग कहते हैं कि ये YouTube चैनल बनाया होता है, ये आगे और होता है, पीछे कोई और होता है, ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है ना। हर बंदा जो भी YouTube पे आता है ना वो मजबूरी के तहत आता है, खुशी से कोई नहीं आता, कोई नहीं चाहता कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ, ठीक है ना। तो इनकी भी ये मजबूरियां हैं कुछ जो आप लोगों के सामने है, तो आप लोग प्लीज जना हो सके जितना हो सके, ये नहीं कहते कि आप इतना करें ये करें वो करें, जितनी हस्बे तौफीक अल्लाह पाक ने आप लोगों को दी है, आप लोगों ने वैसे भी तो गरीबों को देनी होती है, गरीबों को सपोर्ट करनी होती है, चलो इन बेचारों की सपोर्ट कर दें तो ये आपको बहुत सारी दुआएं देंगे। अल्लाह पाक हमेशा गरीब की दुआ बहुत जल्दी सुनता है, तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो कुछ मेरे जवाई ने आख्या है बिल्कुल सच आख्या है, क्यों कि उसको तो पता है मेरा जो ससुराल है सोसा सास जा सोरा है बिल्कुल गरीब है। तो मेरी बेगम साहबा कहती है जो भाई असानू अल्लाह ताला देवेगा, असी बेटे नू भी देवांगे, तो अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे। तो मैं बेगम साहबा को कहना हूँ जो भी तुसी हुण उठी जो तो बेटी नू जो है बाहर जरा सैर कराइए। तो माहौल आपको दिखाते हैं जहाँ पे हम आए हुए हैं और घर वगैरह तो आपने देख ही लिया होगा माशाल्लाह। और ये बेगम साहबा और जो है ना मेरे मामू जी फूफा जी जो है ना ये बाहर माशाल्लाह जो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो बेटी जो है वो भी खुश होगी है, जो मैं इसको जरा घुमा फिरा लूँ, मौसम ठंडा है तो अल्लाह ताला इन्होंने खुश रखे। जाने मदीना फिर इन्होंने बेटा और लियाओ, बेटा और लियाओ, ईमान और लियाओ, और लियाओ, थोड़ी थोड़ी बारिश आंदी पी तुसी और लियाओ। झाड़ जो है इस पास फुल बन गया, आ जाओ बेटा आ जाओ, इसको नवा लो, इसको नवा लो, जो क्योंकि जरा गर्मी आज नहाने जाती है। ओए आदि नाओ नाओ तो बता तो खा लो मेरा बेटा, बता बता और देखो बता खाई है चावल खानी है। आज चलो चलो चावल खा लो, ओ चलो बता खा लो फिर ना जो है बेटी नू घुमा लिया है। तो मौसम बड़ा प्यारा है, ठंडा मौसम है बिल्कुल माशाल्लाह, बेटी दा एहसान है सानू मिलने आ जाती है। ईमान भी आ गई है, ईमान कहती है जो मैं जो है अबू के पास जाती हूँ तो अबू भी आ गया, आ चलो बेटा आ जा, चलो अबू के पास जाती है, देखे ना आओ क्यों आ जाओ, आओ बेटी आ जाओ, तुम जाने मदीने वाला अल्लाह ताला बेटी आके एक ले ली और ले ली है, देखे बेटी एक बेटी और ले ली है, आ भी ले ली है, चलो वो भी थी ना अकेली कली सी तो वो भागती सी तेरे ले ली। उम्मीद करती ठीक ठाक हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरा हेक ले गई भाई जिंदगी दे, चलो मैं कि मेरी हेक बहन बेटी आ दी जहेज बड़े से, चलो भी आ दूं को जरा कोई थी सकते कोई हेल्प करे सी दगा निका हेक कही, चलो भाई आ दिन घिन खड़ा चलो उनकी मड्डी बड़े से अबू ऐ थी वजह ना ये भी दे वो भी खुश हो गए। दूसरी बेटी ये आई है वो कहती अबू चलो ठीक है दो हो गया माशाल्लाह, चलो बेटी जो बैठी हुई है चलो एक दिन नए बकरियां बांध जासन अल्लाह ताला, एक 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 छोटी अबाक दी सी अकेली सी तो दूसरी आ गई दो ही हूं जोड़ी हो गई माशाल्लाह ठीक ठाक है। बेगम साहब कहती है एक कदम हूं मैं कि तू इन्हें वेख रही है साल तो बाद बकरियां बांध जासन माशाल्लाह, तीन चार महीने ना हो गए ने साल तो बाद बकरे बन जाते अल्लाह ताला खुश रखे। मेरी बेटी कहती है अबू दो ले बैठा है तो आपने
नवाजी करने में शाम को जो इन्हों गोश्त बना के खवावांगे। साडे कोल तां जिहड़ा कुछ उगड़िया है असीं तां उही पका के इन्हों खवाना है। माशाला बेटी गरीब चलो आदि मिलता वनो ए छोदी आंदी दू महीना बाद आंदी कला महीने बाद आंदी साडे कोल दा सवारी कह नहीं असा दा वन भी नहीं से सकदे साल साल असा वेंदे कहन से ए अज ए महीने बाद आवे दी मेरा ए भतरीजा ये मेरा जमात रही ए आवे दी मिलन वास्ते आन सवे ना 8 बजे आन हुन दादा टाइम थींदा पे असा मेहमानदारी कीते से असा के भाजी कोई थोली गणी सदा हिस्सा दहाई कन असा को बारू उगड़ी जेरा को ओ असा बड़ा रखी से असा के भाजी खाओ दा तक बड़ा देने भाजी शामी खासूं गोड़ा ले चावल बड़ा दो गोड़ा ले चावल बड़ा चलो कहो शाम को भाजी पके मैं चावल पका के दिन शौक भी खान मिठाई यक भाजी जो असा कुर्बानी दी खादी रखी से ओ ही आखिर असाई भी खादी रखी से असा के चलो गोड़ सौंफा ले चावल बड़ा गिनू हल असा गोड़ सौंफा ले चावल बड़ा गिदे से असा के मेहमान को मेहमान नवाजी जो है साडे गरीब करदे पे है। माशाल्लाह बेटी नु शौक थी बहुत तो कहंदी सी अबू मेनू जो है ना गोड़ा ले चावल पका के खवाओ। मैं फिर गया गुड़ लिया सौंफ ही लिया तो गुड़ वाले चावल बना के इन्हों दिते ने। माशाल्लाह मेहमान नवाजी ये कहंदे ने असी गोश्त नहीं खांदे। मैं कि चलो तुसी चावल खा लो फिर शाम ही तुहाडी असी होर खिदमत करांगे। जो तुसी कहोगे जो साडे कोल हैगी वो तुहाडी असी खिदमत करांगे। तो साडे कोल ही हैगा सी तो बेटी कहंदी सी असी गोश्त खा के ना असी बिलकुल रजे वजे सानू मिठे की जरूरत है। मैं इन्होंने पूछा बेटी के मैनू मैं बेटी ने कहा तू जेरी चीज खावे मैं ओ ही तेरे वास्ते ले आना। बेटी ने कहा अबू मैनू गोड़ा ले चावल खाओ। मैं फिर गोड़ा ले चावल ले आया। शामी जो आखन गे तो असी इन्हों की जो खिदमत करांगे सेवियां आखन गे तो सेवा पका के खवावांगे। तो गोश्त माशाल्लाह आज दी वीडियो आपको दिखा दीती है। तो जी प्यारे व्यूअर्स माशाल्लाह आपने पूरा पहली बात तो यह कि आपने पूरा व्लॉग वॉच करना है ठीक है। इसमें आपको हर चीज की समझ आएगी। अगर आप व्लॉग को कट करके देखेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि व्लॉग बनाने का हमारा क्या मकसद है और हम व्लॉग किस लिए बनाते हैं। ये आप शुरू से लेके एंड तक वीडियो को वॉच किया करें ताकि आपको पता लगे कि हमारे व्लॉग जो है ना कैसे लगते हैं आपको। और आपने कमेंट्स में जरूर बताना है कि हमारे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं ठीक है। और हाँ इनका व्लॉग मेरे चैनल पे भी आएगा। ईमान फैमिली के नाम पे मेरा चैनल है ठीक है। उस पे भी आप इन लोगों का व्लॉग देखेंगे इंशाल्लाह हमारा व्लॉग आएगा। और माशाल्लाह हमने भी इनके साथ बैठ के व्लॉग बनाया माशाल्लाह बहुत हमें अच्छा लगा क्योंकि ये खुद अपनी मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल पे काम कर रहे हैं। इससे बढ़कर और खुशी हमें नहीं चाहिए ठीक है। इंसान वही जो अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो सके। तो लिहाजा आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग थोड़ा थोड़ा इसका साथ देंगे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि ये अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएंगे। तो बाकी माशाल्लाह कैसी लगी आपको वीडियो तो ये आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो जो है आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर हमारी अच्छी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।